आज का पाकिस्तान लेके आया है आपको एक भी आज का पाकिस्तान लेके आया है आपको हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो 2020 में, जो कि कराची के एक्सपो सेंटर में मुनक्किद किया गया है। यहाँ देखने में तो आवाम का अच्छा खासा रश आ रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ कौन कौन सी ब्रांड्स हैं और लोगों का कैसा फीडबैक आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि सुबह से आवाम का क्या रिस्पांस आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस तरह का हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रहा है ये, और थर्ड आज इसका सेकंड डे है, 3 डेज का ये है और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है अभी तक। सुबह से माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस है, देखा होगा आपने काफ़ी चहल पहल लगी हुई है और हेल्थ और ब्यूटी के हवाले से है, तो ये आप देखेंगे लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है उनको, और सब माशाल्लाह से आ रहे हैं। सभी ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कल भी इवेंट है, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अफशीन खान, डायरेक्टर पिवट पॉइंट। अभी सुबह तो थोड़ा सा खामोशी थी, मगर उसके बाद दोपहर में काफ़ी रश हो गया एंड लोग जो हैं ज़्यादातर यहाँ पे, बिकॉज वी हैव एन अकेडमी एंड इट्स अ कॉस्मेटोलॉजी स्कूल अकेडमी, वी आर एफिलिएटेड विद शिकागो पिवट पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान के आइकॉनिक आर्टिस्ट गालिब कमाल, तो आइए इनसे जानते हैं इस इवेंट का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए हो इस इवेंट को कवर करने, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट जो कि हेल्थ और ब्यूटी के हवाले से है एंड यहाँ पर बहुत एलीट क्राउड आ रहा है एंड दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट ब्यूटी अलॉन्ग विथ हेल्थ, और इसमें ओलिविया जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। दे आर द वंस जो फ्री सर्विसेज फराहम कर रहे हैं ख्वातीन को, मर्दों को, यहाँ तक कि फ्री हेयर डाई की फैसिलिटी पेश की जा रही है ओलिविया की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, सबा इमरान। अच्छा सबा, थोड़े डिक्सन के बारे में बताएं। डिक्सन प्रोजेक्ट जो है हमारा वो इटली ब्रांड है हमारा, और डिक्सन में जो है हमारे पास हेयर के केमिकल के तमाम चीज़ें मौजूद है। क्या लगता है आज के पाकिस्तान में अच्छे फीचर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या गोरा रंग? फीचर्स। आपको क्या लगता है कि आज के पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे फीचर्स? अच्छे फीचर्स। अच्छा आप बताएं, अगर आपको चूज़ करना हो अच्छे फीचर में या कॉम्प्लेक्शन में, तो किसको चूज़ करेंगी? आई थिंक अच्छे कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा। आज के पाकिस्तान में ब्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है या अच्छे फीचर्स? आई वुड सजेस्ट कि ब्यूटी तो हर के अंदर होती है, यू नो सब ब्यूटीफुल हैं, चाहे जी फीचर्स जो हैं वो तो अल्लाह ने जो दिए हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते, मगर आप उनको इन्हांस कर सकते हैं। आप अपनी ब्यूटी को खुद ही इन्हांस करते हैं फीचर्स को खूबसूरत बना के, दैट्स वाई वी आर द मेकअप आर्टिस्ट है। तो मगर ये कि ब्यूटी आपके अंदर है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं यू विल लुक ब्यूटीफुल। आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे फीचर्स? देखिए कॉम्प्लेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, असल मेकअप आया ही उन्हीं के लिए जिनका थोड़ा डल फीचर्स, डल फीचर्स भी थोड़े से ज़्यादा इन्हेंस नहीं होते, ठीक है, और उसके अलावा उनका कॉम्प्लेक्शन भी डल होता है, जिसमें मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन मेरे मेकअप से ज़्यादा इन्हेंस हुआ हुआ है। बिल्कुल सही बात है। आईज़ इनकी छोटी होती है, मेकअप उन्हीं के लिए ताकि उनके फीचर्स को इन्हेंस किया जा सके। नोज़, हर चीज़, मेकअप हर चीज़ इन्हेंस कर, फीचर्स डजंट मैटर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आज के पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे फीचर्स? अच्छे फीचर्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्शन का क्या है? आपका फीचर्स अच्छे होंगे आपके फेस के फीचर्स, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छा लुक लगेगा। सही बात है। और आपको क्या लगता है? आई थिंक दोनों भी इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी, यू नो लाइक सक्सेस के लिए इन दोनों का आयरन देंगे कोई ऐसा। अच्छा उन्होंने तो मामला ही ख़त्म कर दिया, यानी दोनों ही ज़रूरी नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि आज के पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे फीचर्स? मेरे ख्याल में तो अच्छे फीचर्स, कॉम्प्लेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छे फीचर्स होना क्यों ज़रूरी है? मेरे मतलब अच्छे फीचर्स होते हैं तो अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क भी है तो कोई इशू नहीं होता, अट्रैक्शन होती है। बिल्कुल फीचर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं।